हाँ जी सतसंगत जी, सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतसंगत जी, इस वेले अज 8 जनवरी 2022 ते समा इस वेले सवेर दे 5 बज चुके ने। ते सतसंगत, कल सवेर वेले अमृतसरों चले ते दिल्ली पहुँच गए रात में तकरीबन 10-11 बजे, ते हुण इत्थों चलन लगे हैं जी। इत्थों बाई ट्रेन जाना है कानपुर विखे, जो धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे पावन प्रकाश गुरपुरब दिहाड़िया नूं बड़े चावां दे नाल गुरु की संगतां मना रही ने जी। सो कानपुर दियां संगतां दे उन्हां दे सद्दे अनुसार उत्थे जा रहे हैं जी। अज शाम नूं उत्थे दीवान शुरू होने ने, ते इस वेले भाई मोहर सिंह जी दा परिवार, भाई कुलबीर सिंह जी, इन्हां दे गृह विखे इस वेले रुके हुए हैं, क्योंकि रात इत्थे आ गए सी ते हुण इत्थों चलण लगे हैं रेलवे स्टेशन वास्ते। उस शताब्दी ते फिर कानपुर दी यात्रा ते जाना है। सो इस तरह आपने जुड़े रहना है। अज आपां सारा दिन जिवें जिवें यात्रा दा जो भी प्रोग्राम बनता है आप जी नाल सांझा करांगे। सो इस वेले इत्थों चलण लगे हैं जी। अरदास बेनती करे सतगुरु रहमत करन सफर विच अंग संग सहाई होण जी। अगला प्रोग्राम थोड़ी चरना कमलों का प्यार बख्शना नाम चेतावे, नानक नाम चढ़ दी कला तेरे भाणे सरबत दा। इन्हां दी तां बहुत पिछे आ बर्मन दी। इस वेले ट्रेन विच बैठ गए हैं जी। ये तकरीबन 11:15 ये ट्रेन ने कानपुर पहुँच जाना। तो शाम का दीवान कानपुर मोती झील पार्क विखे है, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पावन प्रकाश गुरपुरब दिहाड़िया नूं मनाउंदिआं होइआं उत्थे 3 दिन दे समागम ने। इस तरह आपां जुड़े रहना है आप दे नाल सांझे करदे रहांगे जी। भाई साहब दा बेटा साहिल प्रीत सिंह आया जी नाल, ते दास दा बेटा गुरसहज सिंह आया जी नाल, ते रमनदेव सिंह दा बेटा जी परमप्रीत सिंह, आने वाले समय से गुरु साहब कृपा करन इन्हों जत्था बनना जी तिना का। बाकी गुरु साहब न पता जी जी फिर जिमें जिमें सफर होंगे तो कानपुर तक फिर दस दें आप जी ने। ठीक है जी। अलीगढ़ स्टेशन
ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਫਿਰ ਲਖਨਊ ਸਟਾਪ ਕਾਨਪੁਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 4 ਘੰਟੇ 6 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਉੱਤਰ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਲਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਮੋਤੀ ਝੀਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ